हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस पर्टिकुलर क्रैश कोर्स ऑन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। और हम शुरू करेंगे एपिसोड 9। लेकिन इस एपिसोड की शुरुआत से पहले हम यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन ज़रूर देखेंगे, एंड इट्स अबाउट अनअकैडमी कॉम्बैक्ट। आई होप आप सभी ने पहले अनअकैडमी कॉम्बैक्ट जो कि 6 दिसंबर को हुआ, उसमें ज़रूर पार्टिसिपेट किया होगा। नेक्स्ट कॉम्बैक्ट होने वाला है 20 दिसंबर को सुबह 11 बजे, तो इसको बिल्कुल मिस ना करें, क्योंकि ये एक गेमिफाइड वर्जन है यूपीएससी की प्रिपरेशन को बूस्टअप करने का, और इसमें ऑल ओवर इंडिया से आप बहुत से एस्पिरेंट्स को पार्टिसिपेट करते हुए देखेंगे। इसे एनरोल करने के लिए आप ARTIYT10 इस इनवाइट कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी इसी पर्टिकुलर वीडियो में। चलिए एपिसोड नंबर 9 की शुरुआत करते हैं, और शुरू करते हैं एक्सट्रीमिस्ट फेज, जो कि 1905 से 18 के बीच में रहा। पिछले एपिसोड्स में हमने मॉडरेट फेज के बारे में जाना, जिसमें दादा भाई नरोजी जैसे लीडर्स हमने देखे। हमने देखा कि कैसे वो ब्रिटिश अथॉरिटी पर पूरा विश्वास रखते हैं, और कैसे वो यहाँ पर ये मानते हैं कि ब्रिटिशर्स वाकई में हमारी मदद करना चाहते हैं। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि वो एक तरीके से हमारी दिक्कतों को, हमारे इश्यूज़ को पहचान नहीं पा रहे हैं, तो क्यों ना एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमारी प्रॉब्लम्स को उन तक पहुँचाया जाए पेटिशन के थ्रू। और तभी कांग्रेस की शुरुआत हमने होती हुई देखी। ये जो फेज है, ये है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, यानी लाल बाल पाल का पीरियड, दैट इज़ फ्रॉम 1905 टू 18। और इसमें आप एक्सट्रीमिस्ट एक तरीके से एक्टिविटीज़ होती हुई देखेंगे। आइए देखते हैं कि इनकी शुरुआत किस प्रकार से की गई। ये कुछ सेशंस हैं। ऑब्वियसली मैंने सारे के सारे सेशंस इसमें नहीं इंक्लूड किए हैं, मैंने बहुत ही कम सेशंस इंक्लूड किए हैं जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंस रखते हैं। जैसे कि 7th सेशन 1905 का वॉज वेरी इम्पॉर्टेंट इन कैलकटा, ये गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा प्रिसाइड किया गया था। और इस 1905 के सेशन में कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेजोल्यूशंस हैं जो कि कांग्रेस पास करेगी बंगाल पार्टीशन को लेकर, और स्वदेशी आंदोलन बॉयकॉट मूवमेंट भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। जो नेक्स्ट सेशन है वो सूरत में 1907 का, दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऑब्वियसली 1906 का भी एक सेशन है जो कि दादा भाई नरोजी के द्वारा प्रिसाइड किया गया था, बट मैंने वो इंक्लूड नहीं किया है यहाँ पे। तो मैंने बहुत ही कम सेशंस यहाँ पर दिखाए हैं, सिर्फ और सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट वाले। तो सूरत सेशन भी इंपॉर्टेंस रखता है क्योंकि कांग्रेस में हम इसमें स्प्लिट आता हुआ देखेंगे। देन यू कैन सी 1911 का, 1916 का सेशन और 1917 का सेशन, जिसमें एक पहली बार महिला ने इस सेशन को प्रिसाइड किया था, जिनका नाम एनी बेसेंट है। तो चलिए इस फेज को डिस्कस करते हैं, इन सेशंस की इंपॉर्टेंस को समझते हैं, और देखते हैं कि कैसे एक्सट्रीमिस्ट फेज की शुरुआत हुई। सबसे पहले हम जानते हैं कि बंगाल जो है वो सभी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटीज़, जितनी भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ था, उन सब का हब था। और एक तरीके से यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हो रही थी, आप देख सकते हैं, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस हों, एसोसिएशंस हों, उन सभी की शुरुआत यहीं से हो रही थी। तो बंगाल एक नर्व सेंटर बन गया था, एंड इट वॉज़ एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ब्रिटिश अथॉरिटीज़ टू कर्ब दिस पावर जो कि बंगाल में चढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। उस समय में भारत के जो वाइसरॉय थे वो लॉर्ड कर्जन थे, 1905 की बात हो रही है, और वो 20 जुलाई को एक ऑर्डर पास करते हैं, और वो ये कहते हैं कि बंगाल जो है वो एक बहुत बड़ा प्रोविंस है और हम इसे बेहतर तरीके से एडमिनिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, इसी वजह से हमें इसको पार्टीशन करना पड़ेगा ईस्ट और वेस्ट बंगाल में। ये एक चीज़ थी, ये एक अनाउंसमेंट थी जो कि लॉर्ड कर्जन के द्वारा की गई थी, लेकिन काफ़ी हद तक ये बहुत क्लियर था कि यहाँ पे पार्टीशन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से नहीं है, बल्कि पार्टीशन इसलिए किया जा रहा है ताकि यहाँ पे जो भी नए नए अपराइजिंग्स हो रही हैं उन सबको कर्ब किया जा सके, इस नर्व सेंटर जो है उसको वीक किया जा सके। तो लॉर्ड कर्जन ने जैसे ही अनाउंसमेंट की, कांग्रेस के मॉडरेट फेस के जो लीडर्स हैं, मॉडरेट लीडर्स जैसे कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, कृष्ण कुमार मित्रा और बाकी बहुत से मॉडरेट्स, वो सभी यहाँ पर एंटी पार्टीशन मूवमेंट की शुरुआत करते हैं। और ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट बिना किसी वॉयलेंस के बहुत ही आराम से चल रहा था, ये P3 फॉर्मूला ही फॉलो कर रहे थे। लेकिन इस एंटी पार्टीशन मूवमेंट का कोई रिजल्ट नहीं आया और फाइनली बंगाल का पार्टीशन कर दिया गया 16 अक्टूबर 1905 को। यही नहीं, अगर पार्टीशन को ध्यान से समझा जाए, ध्यान से देखा जाए, तो आप देखेंगे कि पार्टीशन वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में किया गया। अगर वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल को देखें तो बहुत ही ध्यानपूर्वक तरीके से पार्टीशन किया गया है। पूरे बंगाल प्रोविंस में
मुस्लिम जो कम्युनिटी थी वो माइनॉरिटी में थी और नॉन मुस्लिम्स या हिंदूज अगर हम कहें हिंदूज जो हैं वो मेजॉरिटी में थे। लेकिन पार्टीशन कुछ इस प्रकार किया गया कि ईस्ट बंगाल जो है वो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया बन गया और वेस्ट बंगाल जो है वो हिंदू मेजॉरिटी एरिया बन गया। इवन पार्टीशन के तुरंत बाद लॉर्ड कर्जन जो है वो ईस्ट बंगाल विजिट भी करते हैं और वहाँ पर क्लियरली एक कैंपेन में ये कहते हैं कि मैंने ये पार्टीशन इसलिए किया है ताकि मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को काउंसिल्स तक भेज सकें, क्योंकि बंगाल एज अ होल अगर प्रोविंस रहता तो उसमें हिंदू मेजॉरिटी पॉपुलेशन में मुस्लिम्स की बातें हम तक कभी नहीं पहुंच पाती। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि एक अलग से प्रोविंस हो जो कि मुस्लिम मेजॉरिटी हो, जहाँ से रिप्रेजेंटेटिव्स मुस्लिम्स के लेजिस्लेटिव काउंसिल तक इजीली इलेक्शंस के थ्रू पहुंच सकें। यानी कि ये तय था कि लॉर्ड कर्जन ने यहाँ पे पार्टीशन सिर्फ और सिर्फ डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को फॉलो करते हुए किया फूट पैदा करने के लिए। जिस दिन पार्टीशन हुआ उस दिन पूरे बंगाल में हड़ताल थी, लोग फास्ट कर रहे थे और एक तरीके से वो यहाँ पर अपनी यूनिटी को दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अमर सुनार बांग्ला जैसा गाना जो है वो यहाँ पर आपको रोड पर बजता हुआ देखने को मिलेगा, लोग उसको गा रहे हैं, वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम्स जो हैं वो रक्षाबंधन सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी बीच आनंद मोहन बोस जो कि एक मॉडरेट लीडर थे, उन्होंने यहाँ पे क्राउड को, पूरी भीड़ को एड्रेस किया और कहा कि हम यहाँ इसके खिलाफ बिल्कुल भी चुप नहीं रहेंगे। इसी बीच 1906 में आपको ढाका यानी कि बांग्लादेश जो है आज का ईस्ट बंगाल, वहाँ पे मुस्लिम लीग की शुरुआत होती हुई भी देखने को मिलती है, जो कि एक ऐसा एसोसिएशन था जो अपने आप को मुस्लिम कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेटिव बताता था। तो ये एंटी पार्टीशन मूवमेंट जो है ये स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट में तब्दील हो जाता है। यहाँ पे इस पार्टीशन के खिलाफ यहाँ शुरुआत होती है स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट की, और एक तरीके से ये मॉडरेट फेज के लीडर्स से ही शुरू हो रहा है। यहाँ पे ये कहा गया कि हम स्वदेशी को प्रमोट करेंगे, जितने भी फॉरेन क्लोथ्स हैं उनको जलाएंगे, उनकी होलिका दहन करेंगे और हम यहाँ पे ब्रिटिश गुड्स किसी भी फॉरेन शॉप से नहीं खरीदेंगे। इसीलिए हमें यहाँ पर आत्मनिर्भर बनना होगा, हमें यहाँ पर आत्मशक्ति पर बल देना होगा और यहाँ पे बहुत सारी इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़ जो हैं वो काफ़ी हद तक सामने आई। छोटी छोटी साबुन की दुकानें, माचिस की दुकानें आपको देखने को मिलेंगी, बहुत से स्वदेशी स्टोर्स यहाँ पर खोले गए। यही नहीं, बहुत सारे बेहतरीन राइटर्स जो थे, जैसे आपको यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र जैसे राइटर्स देखने को मिलेंगे जिन्होंने बहुत से पेट्रियोटिक सॉन्ग्स, देशभक्ति सॉन्ग्स जो हैं वो यहाँ पर गाए और एक तरीके से स्वदेशी मूवमेंट जो है उसको सपोर्ट किया। यही नहीं, आपको नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन जो है वो भी 15 अगस्त 1906 को आता हुआ देखने को मिलेगा। और ये यहाँ पर नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन के आने के पीछे का कारण ये था कि एक तरीके से वो जो वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम था उसको भी यहाँ पर पूरी तरह से बॉयकॉट करना चाहते थे। सबसे बड़ा रोल जो इस स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट में देखा गया वो था स्टूडेंट्स का। हालांकि स्टूडेंट्स को ये धमकी तक दी गई थी कि अगर वो अपने स्कूल्स और कॉलेजेस में वापस नहीं लौटे तो उनके स्कूल्स और कॉलेजेस के एफिलिएशन को छीन लिया जाएगा और उनको फाइनल एग्जाम्स भी नहीं देने दिए जाएंगे। इसके बावजूद भी आप यहाँ पे स्टूडेंट्स को इस स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हुए देखते हैं, दुकानों के बाहर धरना देखते हुए देखते हैं। यही नहीं, महिलाएँ भी जो कि सिर्फ घरों तक सीमित रहती थी वो भी इस पूरे के पूरे स्वदेशी और बॉयकॉट मूवमेंट में पार्टिसिपेट करती है। अगर मैं अपर क्लास मुस्लिम्स की बात करूं तो वो बंगाल पार्टीशन के फेवर में थे और इसी वजह से वो स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं करते हैं, लेकिन उसके बावजूद मिडिल और लोअर क्लासेस के जो मुस्लिम्स हैं वो आपको एज अ पार्टिसिपेंट इस बंगाल पार्टीशन के अगेंस्ट जो स्वदेशी मूवमेंट चल रहा था उसके खिलाफ ऑब्वियसली उसके फेवर में यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलेंगे। हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, लियाकत हुसैन, ये कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स हैं जो मुस्लिम थे और बंगाल पार्टीशन के खिलाफ थे। तो स्वदेशी मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे फैलाव करने लगता है, लेकिन जो स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट चल रहा था जहाँ पर हर चीज़ को बॉयकॉट किया जा रहा था, ब्रिटिश गुड्स को बॉयकॉट किया जा रहा था, वो एक तरीके से ब्रिटिशर्स पर किसी तरह का प्रेशर नहीं क्रिएट कर रहा था, क्योंकि ये पूरा का पूरा मूवमेंट ऑब्वियसली मॉडरेट जो अप्रोच है उसी के अकॉर्डिंग हो रहा था। तो कांग्रेस के अंदर ही एक ऐसे लीडर होंगे जो कि इस पर्टिकुलर अप्रोच को पूरी तरह से रिजेक्ट करेंगे और कहेंगे कि हमें कुछ नया करना होगा, कुछ अलग करना होगा, यहाँ पर एक तरह की शक्ति का यहाँ पे इस्तेमाल करना होगा, फोर्स का इस्तेमाल करना होगा, तभी ब्रिटिशर्स के ऊपर प्रेशर बनेगा और तभी वो हमारी बातों को सुनेंगे। और वो हैं फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, जिनका नाम है लोकमान्य तिलक,
जिन्हें हम बाल गंगाधर तिलक भी कहते हैं। तो लोकमान्य तिलक या बाल गंगाधर तिलक की एंट्री से ये पूरा का पूरा स्वदेशी मूवमेंट और बॉयकॉट मूवमेंट कैसे अपना रुख बदलता है उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। आई होप ये छोटा सा इंट्रोडक्शन इस पर्टिकुलर मूवमेंट का आपको पसंद आया होगा। सो अगले एपिसोड में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड टेक केयर।